बाढ़ के बिचली मलाही में मंगलवार को एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे। आनन-फानन में युवक को इलाज के लिए बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे PMCH पटना रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में पीड़ित युवक की बहन सुनैना कुमारी ने ये बताया कि एक टेम्पो चालक का किसी असामाजिक तत्व के साथ विवाद हो गया। दोनों लड़ रहे थे, तभी एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किराए के मकान में रह रहे 22 वर्षीय जितेंद्र कुमार के घर में दरवाजे से अंदर घुस गए, जिसे बाहर जाने को कहने के लिए घर के अंदर से जितेंद्र कुमार आया। तभी किसी ने गोली चलाई और निर्दोष जितेंद्र कुमार को गोली लग गई। गोली कंधे के पास लगी और वह बुरी तरह जख्मी हो गया। जब तक पुलिस को सूचना दी जाती तब तक गोली मारने वाला शख्स फरार हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही SP भारत सोनी मौके पर मामला के छानबीन में जुटे। गोली लग गई। अरे रुकिए, अभी रुक जाइए। हम लोग घर में बैठे हुए थे, बस घर में से हम आए, वो लड़का दो गुलजेंस था, लड़ाई करते करते पता नहीं किस चीज की लड़ाई कर रहा था, हमको नहीं मालूम। हम लोग तो घर में थे, लड़ते लड़ते वो जान बचाने के लिए यहाँ पे आया, घर में घुस गया। एक जेंस, एक जो गन लिया हुआ था ना वो बाहर था, और जो जान बचाने के लिए यहाँ पे घर में घुस गया। एक बच्चा था, उसको बच्चा को हम घर में उसको भगाए, बस मेरा भाई आया, मतलब घर में आ गया ना उसको तो भगाने के लिए कि भागो यहाँ से, वो भागा नहीं, बस वो गोली उसको मारने की वजह से मेरा भाई को लग गया। मेरा भाई को लग गया। लड़ाई तो वो दो लोग थे, हमको भी उतना भी नहीं पता, हम लोग घर में थे ना, मुझे क्या पता, कुछ नहीं पता। क्या नाम हुआ उनका जिनका गोली लगा? जितेंद्र कुमार। और आप उनके कौन हुआ? सिस्टर।